नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने विधान परिषद प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं बरेली मुरादाबाद खंड क्षेत्र से जयपाल सिंह और उन्नाव कानपुर खंड क्षेत्र से अरुण पाठक प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर फैजाबाद खंड क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी गई है, कौन कौन किस जगह से बीजेपी की जिम्मेदारी संभालेगा, पार्टी की जिम्मेदारी संभालेगा, अब ये घोषणा कर दी गई है। बरेली मुरादाबाद खंड क्षेत्र से जयपाल सिंह जिम्मेदारी संभालेंगे, कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र से अरुण पाठक प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी ने विधान परिषद प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने अब एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें कि बीजेपी ने अलग अलग विधान परिषदों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बरेली मुरादाबाद खंड क्षेत्र से जयपाल सिंह जिम्मेदारी संभालेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए। अश्विनी, अब बीजेपी ने विधान परिषद प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी गई, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? शिक्षक खंड की जो सीटें हैं उनके लिए प्रत्याशियों का की घोषणा कर दी है, जिसमें से जो तीन खंड स्नातक चुनाव होना है एमएलसी के, उसके लिए जो पूर्व एमएलसी हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनको ही जो है अपना प्रत्याशी फिर से बनाया गया, जिसमें जो है बरेली मुरादाबाद खंड क्षेत्र से अगर बात करें तो जयपाल सिंह ये अभी फिलहाल एमएलसी है और इनका 12 फरवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पहले चुनाव होना 30 जनवरी को, तो इनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना प्रत्याशी बनाया गया। साथ ही बात करें कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र से जो अरुण पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है, इसके अलावा बात करें गोरखपुर फैजाबाद खंड क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया गया। ये तीनों जो प्रत्याशी हैं वही वर्तमान समय में अभी जो है एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। निश्चित तौर पर एक बार फिर इन्हीं पर अपना दांव भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, क्योंकि संभावना है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पिछला चुनाव जीता था इस बार भी वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। साथ ही साथ दो अन्य प्रत्याशी घोषणा और की है, जो शिक्षक खंड के चुनाव होना उसको लेकर के, जिसमें कानपुर खंड शिक्षक से क्षेत्र से आए जो वेणु रंजन जो भदौरिया को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बनाया, वहीं बात करें तो इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक जो है क्षेत्र से बाबूलाल तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने गहरा मंथन किया और उसके बाद इन प्रत्याशियों का चयन किया है। 30 जनवरी को इन जो एमएलसी की सीटें हैं जो विधान परिषद की, उनके लिए वोटिंग होनी है, और क्योंकि 12 फरवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा, तो उससे पहले वोटिंग करा करके नए जो विधान परिषद सदस्य उनको शपथ दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में अब विधान परिषद के लिए तमाम जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा कर दी है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बीते जो चुनाव हुए थे उनमें अब क्या बदलाव किया गया है, इस बार क्या क्या नया बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि पार्टी एक तरह से मिशन 2024 में लग गई है, तो ऐसे में ये जो तमाम अब चुनाव आ रहे हैं ये एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर बात करें तो जो ये एमएलसी चुनाव होने हैं, ये कहीं ना कहीं इनका जो रूपरेखा होती है ये थोड़ा सा इनमें अंतर होता है, क्योंकि सीधे ना तो ये जनता से होते हैं, ना ही ये विधायक होते हैं उनकी संख्या बल के आधार पे होते हैं, क्योंकि ये स्नातक चुनाव होने, स्नातक खंड के जो है वो चुनाव होने, इसमें स्नातक जो छात्र रहे होंगे वो इसमें वोटिंग करते हैं। साथ ही साथ जो शिक्षक खंड वाले चुनाव होने हैं उसमें जो शिक्षक होते हैं वो वोट करते हैं, तो इसमें ये कहना
लगा कि सेमीफाइनल थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे राजनीतिक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अक्सर अमूमन ये जो चुनाव होते हैं जो सत्ता पक्ष होती है उसी के पक्ष में रहते हैं। इससे पहले भी देखा गया सत्ता पक्ष के पक्ष में रहे, तो निश्चित तौर पर इसको सेमीफाइनल ना कह के कहीं ना कहीं ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी संख्या बल जो है जरूर विधान परिषद में और मजबूत करना चाहती है, उसको लेकर के मेहनत कर रही है। कहीं ना कहीं इसीलिए जो पूर्व तीनों एमएलसी हैं जो वर्तमान में भी एमएलसी हैं उन पर ही दाव लगाया है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जाती जानती है कि इन लोगों ने विषम परिस्थिति में बेहतर परफॉर्मेंस किया, एक बार फिर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जी।